डॉक्टर से मोहम्मद कासिम बगियो की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद बरादरी के लापता नौजवान सैयद इमदाद शाह की रिहाई के लिए मुजाहिरा कर रहे हैं। सैयद बरादरी के मासूम लड़के ने सैयद इमदाद शाह की तरफ से हाथ में प्ले कार्ड और बैनर लेकर लापता सैयद इमदाद शाह के लिए बाईपास डॉकरी के बाईपास से बच्चों और सैयद बरादरी के नौजवान ने सैयद जैन शाह, सैयद आसिफ अली शाह, सैयद सदीक अली शाह और दीगर की क्यादत में सैयद इमदाद शाह को बचाने के लिए कानून नाफिज करने वाले दारों के एहलकारों ने 10 अप्रैल से गिरफ्तार किया है। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे। इस मौका पर मुजाहिरीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे नौजवान का किसी कौम प्रस्त जमात या किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। उनका मजीद कहना था कि 10 अप्रैल की रात कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने हमारे नौजवान को गिरफ्तार किया, जिसे 8 माह बाद भी रिहा नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि हमारा नौजवान बेगुनाह है। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान आर्मी चीफ, DIG लाड़काना, SSP लाड़काना और दीगर ज़राए से अपील करते हुए कहा कि केस का नोटिस लेकर सैयद इमदाद शाह को गिरफ्तार करके रिहा किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा।